गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो उसमें हम 5 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन। तो इसमें हम 4 अभिक्रियाएं और 5वीं भी थोड़ी बहुत पढ़ चुके थे, लेकिन उसमें मैंने बताया था अभी इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे हम, लास्ट वाले जो अभिक्रिया है उपचयन अपचयन। तो आज हम पढ़ते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखो उपचयन, उपचयन होता है ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को कंबाइन कर दिया, रिडॉक्स रिएक्शन बोल दिया। तो उपचयन, तो उपचयन की एक परिभाषा है, परिभाषा क्या है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या कोई रासायनिक समीकरण लिखी है, अगर उस रासायनिक समीकरण में किसी तत्व से हाइड्रोजन निकलती है या ऑक्सीजन जुड़ती है उसको बोलते हैं उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना वो क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। और अपचयन इसका उल्टा होता है, अपचयन मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना उसको बोलते हैं अपचयन रिडक्शन। जैसे एक अभिक्रिया लेके चलते हैं हम, ये कोई समीकरण लिखी हुई है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो कॉपर ऑक्साइड मिला। अब देखो यहाँ पे कॉपर तत्व अभिक्रिया के बाद इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ हुआ उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन देखो जुड़ी है इसके साथ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो कॉपर का हुआ ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। उपचयन किसका हुआ, कॉपर का, जिसके साथ जुड़ती है या जिसमें से निकलती है उसका उपचयन या अपचयन होगा, ये बात याद रखो। अब जैसे ये अभिक्रिया है, इसमें जिंक, जिंक तो जिंक ZnO है, ये जिंक ऑक्साइड है ना, कि अकेला जिंक, गलत लिख दिया ये मैंने, तो जिंक ऑक्साइड है ये ZnO। अब ZnO जब ये कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें से जिंक निकल जाएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो कार्बन का क्या हुआ यहाँ पे, कार्बन का हुआ उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। क्यों? कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है और जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन मतलब यहां कार्बन का हुआ है, कार्बन का हुआ है उपचयन, लेकिन ऑक्सीजन निकली है किसमें से, जिंक, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकली है। तो अपचयन की परिभाषा क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। देखो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकली है और जुड़ी किसके साथ, कार्बन के साथ, तो कार्बन का तो हो गया ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, और जिंक ऑक्साइड में से गई है तो जिंक ऑक्साइड का हो गया अपचयन। तो इसका तो यहां तो हो गया उपचयन और यहां हो गया अपचयन। अपचयन, अपचयन किसका होगा, जिंक ऑक्साइड का, याद रखना ये बात, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि किसका अपचयन हुआ किसका उपचयन हुआ। तो जिंक ऑक्साइड ZnO, ZnO इसका तो हुआ है अपचयन। क्यों? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन गई है, और कार्बन का हुआ है उपचयन। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन समझ में आ गया होगा। उपचयन अपचयन की सिर्फ यही परिभाषा नहीं है, एक और परिभाषा है वो हम अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले उपचायक क्या होता है और अपचायक, देखो जिसका उपचयन हुआ और जिसने उपचयन किया, जिसने उपचयन किया वो उपचायक होता है। जैसे मान लो मैंने किसी को पैसे देने हैं तो देने वाला कौन है, मैं उसको पैसे देने वाला हूं तो मैं हो गया दाता, और उसका खुद के पास पैसे आए हैं तो वो लेने वाला। ऐसे ही उपचयन में किसी ने ऑक्सीजन ली उसका हो गया उपचयन, लेकिन उसका उपचयन करवाया किसने है, कहीं से तो उसको ऑक्सीजन मिली है, तो
जो उसको ऑक्सीजन देगा या फिर हाइड्रोजन निकालेगा, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना उपचयन है, लेकिन जो ये काम करवाएगा उसको हम कहेंगे उपचायक। उपचायक कौन है? अब देखो ये अभिक्रिया लेते हैं, अब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चली गई तो क्या हुआ इसका, इसका हो गया अपचयन। लेकिन इसमें से ऑक्सीजन किसने निकाल ली? कार्बन ने निकाल ली ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन निकल के कार्बन के पास गई है, तो कार्बन इसकी ऑक्सीजन को निकालने वाला हो गया, तो इसका अपचयन किसने करवाया? इसका अपचयन करवाया कार्बन ने, तो कार्बन क्या हो गया? अपचायक, क्योंकि इसने अपचयन करवाया किसका? जिंक ऑक्साइड का। और कार्बन इसका हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन। लेकिन इसका उपचयन कब हुआ? जब इसको ऑक्सीजन मिली, और ऑक्सीजन देने वाला कौन था? जिंक ऑक्साइड। तो ये हो गया उपचायक, इसने उपचयन करवाया किसका? कार्बन का। तो जिंक ऑक्साइड हो गया उपचायक और कार्बन हो गया अपचायक। कहने का मतलब क्या है? जिस पदार्थ का उपचयन होता है वो अपचायक होता है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो उपचायक होता है। ये उल्टे हैं, जैसे उपचायक जिस पदार्थ का अपचयन होगा, देखो इस अभिक्रिया में अपचयन किसका हुआ? अपचयन हुआ जिंक ऑक्साइड का, तो ये उपचायक है। ये बात याद रखना, जिसका हुआ उपचयन वो था अपचायक, इसका हुआ है अपचयन। उपचयन मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका उपचयन हुआ है, लेकिन ये खुद में क्या है? एक अपचायक है। क्यों? क्योंकि इसने इसका अपचयन करवाया, इसकी ऑक्सीजन को खींच लिया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? वो होता है अपचयन। तो इसने इसका अपचयन करवाया, इसका खुद का उपचयन हुआ लेकिन इसने दूसरे का अपचयन करवाया, तो ये हो गया अपचायक। सीधा सीधा से याद रखना, जिस पदार्थ का उपचयन होता है वो अपचायक होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो उपचायक होता है। ये बात याद रखना। तो उपचायक जो पदार्थ उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को निकालता है वो होता है उपचायक। और अपचायक जो पदार्थ अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, क्योंकि अपचयन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। अब ये काम कोई भी करवा देगा वही अपचायक है, जो उपचयन करवा देगा वही उपचायक है। मतलब उपचयन क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जो ऑक्सीजन जुड़वा देगा, मतलब अपने ऑक्सीजन दे देगा किसी को, तो वो हो जाएगा उपचायक। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड का तो हुआ है अपचयन, लेकिन ये क्या है? ये है उपचायक, ये उपचायक है। जिंक ऑक्साइड क्या है? उपचायक। जिंक ऑक्साइड इसका खुद का अपचयन हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन चली गई, लेकिन ये उपचायक है। इसमें से ऑक्सीजन जाएगी तो कहीं तो जुड़ेगी, इसका मतलब है इसने दूसरे का उपचयन करवा दिया, इसलिए ये उपचायक है। कार्बन ने दूसरे में से ऑक्सीजन निकाल ली, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन होता है। लेकिन इसके साथ जुड़ गई तो इसका खुद का तो हो गया उपचयन, लेकिन इसने दूसरे से निकाल ली तो इसने दूसरे का कर दिया अपचयन, तो ये हो गया अपचायक। ठीक है, मतलब कहने का उपचायक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपचयन मतलब ये अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, जो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, इतना याद रखना। अब उपचयन और अपचयन की एक और परिभाषा है, कौन सी? देखो, किसी तत्व में अधात्विक तत्व का जुड़ना, किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ अधात्विक, अधात्विक मतलब नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, जैसे मेटल कौन सी होती है? जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब मेटेलिक एलिमेंट है, नॉन मेटल, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। तो किसी रासायनिक समीकरण में हम ये देखेंगे कि किस तत्व के साथ मेटेलिक एलिमेंट जुड़ा है, मतलब धात्विक तत्व जुड़ा है या अधात्विक तत्व जुड़ा है। जिसके साथ अधात्विक तत्व जुड़ता है तो उसका होता है उपचयन, या तो उसमें धात्विक तत्व जुड़े या अधात्विक तत्व निकले, तो सॉरी
अधात्विक तत्व जुड़े, अधात्विक नॉन मेटलिक एलिमेंट अगर जुड़े और मेटलिक एलिमेंट निकले तो होता है ऑक्सीडेशन, उपचयन। और अगर धात्विक तत्व जुड़े और अधात्विक तत्व निकले, मतलब क्या, मेटलिक एलिमेंट अगर ऐड हो और नॉन मेटलिक एलिमेंट अगर निकल जाए तो उसको बोलते हैं अपचयन, मतलब रिडक्शन। उदाहरण के लिए जैसे हम यही अभिक्रिया लेते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन। अब इसमें हमें ये तो पता चल गया सीधा सीधा सा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, तो कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन, उपचयन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का एक सेल अपने आप में, ऑक्सीजन का क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अकेली थी यहाँ पे, यहाँ जब आई तो इसके साथ कॉपर अटैच हुआ और उसने कहा धात्विक तत्व का जुड़ना, किसी के साथ धात्विक तत्व का जुड़ना वो होता है अपचयन, ठीक है, धात्विक तत्व का जुड़ना अपचयन होता है। तो ऑक्सीजन के साथ कॉपर जुड़ा और कॉपर तो धात्विक है, धातु है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया अपचयन, ऑक्सीजन का क्या हुआ, अपचयन। कॉपर का तो हो गया उपचयन, ऑक्सीजन का हो गया अपचयन, ठीक है, ये अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया जैसे ये देखो, ये एक समीकरण मैंने लिखी है, अभी यहाँ पे H2S, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता है, या H2S से यहाँ सल्फर, हाइड्रोजन निकल गई H2S से, H2S बदल गई किसमें, सल्फर में, तो हाइड्रोजन निकली है और हाइड्रोजन का निकलना देखो क्या कहलाता है, उपचयन, तो यहाँ हुआ उपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन के साथ देखो यहाँ क्लोरीन अकेली है और यहाँ पे चली गई तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी है और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, तो ये हो गया अपचयन, मतलब रिडक्शन, ठीक है। तो क्लोरीन किसका हुआ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, वो बात ध्यान रखनी है क्योंकि उसी में कंफ्यूजन होता है। हम क्या लिख देते हैं, जैसे कुछ तरह की जिसके इसका उपचयन हुआ, हम लिख देते हैं सल्फर का होगा उपचयन, नहीं ऐसा नहीं आएगा, उपचयन किसका होगा, H2S का उपचयन किसका हुआ, जिसमें जुड़ती है या जिससे निकलती है उसका उपचयन या अपचयन होगा, तो उपचयन किसका हुआ, H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का हुआ उपचयन, और अपचयन किसका हुआ, अपचयन हुआ है क्लोरीन का, ये बात याद रखना। अब इसमें उपचायक कौन है और अपचायक कौन है, अब मैंने बताया जिसका उपचयन होता है वो अपचायक होता है, उपचयन किसका हुआ, H2S का, मतलब तो वो अपचायक हो गया, H2S हो गया अपचायक, और जिसका अपचयन होता है वो होता है उपचायक, तो क्लोरीन होगी उपचायक। ये थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में रखना है, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ये आएंगी, अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही समीकरण में होते हैं, देखो एक ही अभिक्रिया में हो गया उपचयन और अपचयन, इसलिए इनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब पेपर में पिछले साल प्रश्न आया था कि कोई तत्व उसका 1 ग्राम सैंपल लेकर गर्म कर दिया तो हमें एक ब्लैक रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ, फिर उस ब्लैक में से हाइड्रोजन गुजार दी गई तो हमें वापस एक भूरे रंग का तत्व प्राप्त हुआ, तो वो तत्व कौन सा था जो हमने लिया था और गर्म किया था, तो भाई वो तत्व होता है कॉपर। अगर हम कॉपर को देखो, ये चाइना डिश ले ली, चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर ले ले, कॉपर का कलर होता है रेड ब्राउन, पता है ना, कॉपर को देखो रेड ब्राउन होता है, तांबा जो होता है, उसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कॉपर बदल जाएगा कॉपर ऑक्साइड में, देखो कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, ये गर्म करते ही ये समीकरण हो जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो 2CO, ये समीकरण हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का। तो उसने कहा था कि कोई तत्व उसको गर्म किया, गर्म करने से हमें एक ब्लैक रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ, तो ब्लैक रंग का पदार्थ क्या है, उसका सूत्र क्या है, तो ब्लैक रंग का पदार्थ क्या था, कॉपर ऑक्साइड, और उसका रंग वो काला था, उसने बताई दिया था ब्लैक कलर का प्राप्त हुआ था।
अब उस ब्लैक कलर के पदार्थ में से दोबारा हाइड्रोजन गुजार दे, मतलब जो ब्लैक कलर का पदार्थ प्राप्त हुआ क्या, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गुजारे तो क्या होगा, हमारे पास था कॉपर ऑक्साइड, अगर इसका कॉपर हाइड्रोजन गुजार दे, देखो इसमें तो ऑक्सीजन ऐड हुई, अब जैसे ही गर्म करने, ये भी गर्म करने पर ही होगा, वहां भी गर्म ही किया था, तो कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन H2 के साथ चली जाएगी H2O यहां, तो उस ब्लैक, ये ब्लैक कलर का होता है, तो उस ब्लैक पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो दोबारा से हमें रेड ब्राउन कलर का एक पदार्थ प्राप्त होता है। रेड ब्राउन कलर का क्या होता है, लाल भूरे रंग का पदार्थ क्या है, तांबा, तो हमें दोबारा से तांबा प्राप्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो देखो कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन निकली है तो अपचयन हो गया। पहली अभिक्रिया में उसका क्या हुआ था, जब ऑक्सीजन जुड़ी थी तो उसका उपचयन हो गया था, अब जैसे ही हमने उसको हाइड्रोजन के साथ गर्म किया तो इसका अपचयन हो गया, अपचयन हो गया तो अभिक्रिया उल्टी होगी, तो दोबारा से कॉपर प्राप्त हो गया, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका हो गया उपचयन। तो अपचयन किसका हुआ, अपचयन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, याद रखना। उपचयन किसका हुआ, H2 का। उपचायक कौन है, उपचायक है कॉपर ऑक्साइड, उपचायक, और अपचायक कौन है, अपचायक है H2, ठीक है भाई। तो ये चार चीजें याद रखनी है, उपचयन किसका हुआ, अपचयन किसका हुआ, उपचायक कौन सा है, अपचायक कौन सा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, इतनी सी बात। अब आगे एक बात याद रखना भाई, जो जरूरी नहीं कि इसको सिर्फ ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ही इस वीडियो को देखे, इसको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि देखो समझना जरूरी होता है, कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश मीडियम दूसरों की देखा देखी ले लेते हैं, अब वो किताबें पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता उनको, क्यों, लिखी हुई उसका मीनिंग हिंदी में वो कर नहीं पाएंगे, दूसरे को देख के इंग्लिश मीडियम ले लिया। ज्यादातर आजकल प्राइवेट स्कूलों में यही हो रहा है कि सभी को इंग्लिश मीडियम घुसेर दिया सभी के अंदर, अब उनको इंग्लिश मीडियम समझ में नहीं आता। तो क्या है कि इंग्लिश मीडियम उसी को लेना चाहिए जो इंग्लिश को अच्छे से समझ सके, उसकी हिंदी करके उसमें जो लिखी होती है बातें उसको समझ सके, तभी फायदा है। वरना तो जिस चीज में चाहे हिंदी में समझ में आए चाहे इंग्लिश में समझ में आए, समझना जरूरी है, कंसेप्ट को समझो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही चलती है हर जगह। आगे जाओगे ना जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हायर लेवल का, चाहे IAS का है चाहे ऐसे, सभी में हिंदी भी आती है, तो चाहे हिंदी में अच्छे से समझ पाओ तो हिंदी में करो, इंग्लिश में अच्छे से समझ पाओ तो इंग्लिश में। एक इंग्लिश वाला स्टूडेंट हिंदी तो समझ लेता है, लेकिन जो हिंदी पढ़ने वाला है उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं प्राइवेट स्कूलों में जिनको जो हिंदी में समझ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर इंग्लिश मीडियम का बर्डन डाल देते हैं, तो पल्ले नहीं पड़ती बात। तो वो चीजें, वो इन चीजों को अगर हिंदी में समझ ले एक बार तो वो इंग्लिश में भी आसानी से समझ जाएंगे। लैंग्वेज सबसे पहले जरूरी होती है, लैंग्वेज इज कंपल्सरी, साइंस पढ़ना, सामाजिक पढ़ना, ये तो बाद की बातें हैं, पहले तो लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी को पढ़ना आना चाहिए, अच्छे से लिखना आना चाहिए, इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश को लिखना आना चाहिए। जब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तब तक दूसरे सब्जेक्ट समझ में नहीं आएंगे, तो लैंग्वेज पे कमांड सबसे पहले होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं, तो अपचयन और उपचयन ये हो गई। अब आगे हम पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन के प्रभाव, मतलब रिडॉक्स अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो रिडॉक्स अभिक्रियाएं अपचयन और उपचयन के दो प्रभाव होते हैं इनके, एक होता है संसारण, संसारण, और एक होता है विकृत गंधिता। संसारण और विकृत गंधिता, तो संसारण क्या होता है, आपने देखा होगा लोहे को, लोहा नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस पे एक भूरे से रंग की पदार्थ जम जाएगी, जो कि लोहे से थोड़ा नरम होता है, जिसको जंग बोलते हैं, तो वो संसारण ही है। कहने का मतलब क्या है, कोई एक धातु, किसी धातु का नमी, ऑक्सीजन या किसी रसायन की
उपस्थिति में अभिक्रिया करके और नष्ट हो जाना, मतलब क्या, कोई धातु है, कोई धातु ए है, कोई धातु ए है, इसके ऊपर नमी का प्रभाव हो रहा है, नमी, वायु या फिर किसी रसायन का प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, तो और धीरे धीरे नमी, वायु और रसायन के प्रभाव से वो धातु धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं संसारण। ठीक है, जैसे कॉमन एग्जांपल है हमारा लोहा, देखा होगा लोहे के ऊपर अगर हम उसको वायु में खुला छोड़ दे तो नमी और वायु की उपस्थिति में वो धीरे धीरे टूटना शुरू कर देता है, तो उसके ऊपर जो परत बनती है देखो कितनी सॉफ्ट होती है। लोहा जब हम लेके आते हैं वो बहुत हार्ड होता है, वो स्लेटी रंग का होता है, लेकिन जब उसके ऊपर जंग लग जाएगा तो वो भूरे भूरे से रंग का हो जाएगा, और वो जो भूरे से रंग का पदार्थ बनता है वो होता है उसका ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड। जंग मतलब क्या, जंग है लोहे का ऑक्साइड, और लोहे का ऑक्साइड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना लोहा है, क्योंकि ऑक्साइड और लोहा दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, लोहे का ऑक्साइड अलग पदार्थ है, लोहा अलग पदार्थ है। तो आयरन अभिक्रिया देखते हैं, आयरन की अभिक्रिया हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति में और XH2, तो बनता क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 और XH2O। ठीक है, ये तो ये लोहा था, इसकी ऑक्सीजन और नमी, नमी मतलब जल, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हुई तो ये बना आयरन 3 ऑक्साइड। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया XH2O, XH2O का मतलब क्या है, क्योंकि इस ऑक्साइड में जो पानी के अणु होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो कम भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए XH2O लिख दिया मैंने। बाकी उसमें जो बनता, जो बनेगा वो यही होगा Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड, और इस आयरन 3 ऑक्साइड को ये बोलते हैं रस्ट, जंग बोलते हैं इसको भी। ठीक है, क्या ये आयरन 3 ऑक्साइड के ऊपर में आ जाएगी, जंग क्या है तो आयरन 3 ऑक्साइड होता ही है। मैंने आयरन के 3 ऑक्साइड बताए थे, आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड और आयरन 2-3 ऑक्साइड, इसमें Fe3O4 होता है आयरन 2-3 ऑक्साइड में, ये आयरन 3 ऑक्साइड है। ठीक है भाई, ऐसा ही संसार देखा हुआ आपने चांदी की धातु में, चांदी की धातु के ऊपर भी ब्लैक सी परत जम जाती है, जो गहने पहनते हैं आपने देखा अपने घरों में, जो आपकी मम्मी गहने पहनती है चांदी के, उनके ऊपर ब्लैक सी परत जम जाएगी, वो किसकी होती है, वो होती है सल्फाइड की। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की, क्योंकि जैसे सिल्वर है Ag, वो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है तो बन जाएगा AgS सिल्वर सल्फाइड, तो वो ब्लैक सी परत जो ऊपर जम जाएगी वो होगी सिल्वर सल्फाइड की। ऐसी एक ग्रीन परत देखी होगी आप लोगों ने, किसके ऊपर, तांबे के ऊपर, कॉपर के ऊपर, कॉपर के ऊपर जो परत होती है वो होती है कॉपर कार्बोनेट की, क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है और बनता है कॉपर कार्बोनेट, जो कि एक ग्रीन कलर की परत होती है, तांबे के बर्तनों के ऊपर देखना हरी हरी सी परत जमी हुई मिलेगी। तो ये सभी क्या है, ये संसारण है, क्योंकि इन सभी में ही धातुओं की नमी, ऑक्सीजन या किसी रसायन की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है और उन्होंने धीरे धीरे टूटना शुरू कर दिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं संसारण। संसारण नुकसानदायक है भाई, ये लाभदायक नहीं है हमारे लिए, इससे पुलों के जो पिलर होते हैं या शिप जो होते हैं, बड़े बड़े जहाज जो पानी में चलते हैं और जो हमारी ये रेलवे ट्रैक्स हैं, ये जंग के कारण ये खराब हो जाती है, जंग लगने से धीरे धीरे टूटना शुरू कर देंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान भी होता है, कई बार जान का नुकसान भी हो जाता है, जब ये कमज़ोर हो जाएंगे तो टूट भी सकते हैं, तो इससे इसको रोकना पड़ता है, और रोकने के लिए अब इसमें दो ही चीज़ें चाहिए, क्या, ऑक्सीजन और नमी, तो इन दोनों चीज़ों को धातु के पास पहुँचाने से रोक दो तो ये रुक जाएगा। कैसे, हम इसके ऊपर एक परत चढ़ा दे किसी पेंट की, ग्रीस की या तेल की परत चढ़ा दे धातु के ऊपर, तो क्या होएगा, बाहर की जो ऑक्सीजन है वो उसके संपर्क में नहीं आएगी या नमी धातु के संपर्क में नहीं आएगी, तो संसारण नहीं होगा।
तो पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर हम धातु के शमशान को रोक सकते हैं। इसके अलावा लोहे के ऊपर कई बार निकल की परत भी चढ़ाई जाती है। जैसे देखा होगा साइकिल के जो हैंडल होते हैं कितने चमकीले से होते हैं ना, स्टील का दिखाई देता है ऊपर, लेकिन वो निकल की परत होती है। जिंक की भी परत चढ़ाते हैं हम, क्रोमियम की भी चढ़ा देते हैं, तो एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं ताकि जंग से बचाया जा सके। अब है अगला विकृत गंधता। देखो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें तेल होता है या तेल में बनाए जाते हैं, तो तेल या तेल से बनने वाले पदार्थ उनको अगर हम वायु में खुला छोड़ दें तो उसमें उपस्थित तेल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण होने से उसमें जो उपस्थित तेल था वो एक नया पदार्थ बन जाएगा और वो नए पदार्थ की गंध और उसका टेस्ट मतलब उसका स्वाद बदल जाएंगे। पहले जैसा उनके टेस्ट था, पहले उनका जो स्वाद था या गंध थी, अब वो बिगड़ गई, वो पहले जैसी नहीं रही, तो उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है बिगड़ना, गंधिता मतलब गंध मतलब उसका स्वाद और उसकी खुशबू दोनों ही गंध में आते हैं। गंध में ये मत समझना कि गंध में सिर्फ उसकी स्मेल आएगी, नहीं, गंध जो चीज़ है इसमें स्वाद भी और उसकी स्मेल दोनों ही गंध में शामिल होती है। तो विकृत गंधिता तो गंध उसकी गंध का बिगड़ जाना, गंध का गंध मतलब उसका स्वाद भी और उसकी स्मेल भी बिगड़ जाना। क्यों? क्योंकि तेल और तेल से बनने वाले पदार्थ उनमें ऑक्सीजन जुड़ी तो तेल का हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब उनके ऑक्सीजन जुड़ गई, तो अब वो तेल न रहकर कोई नया पदार्थ बन गया और उस नए पदार्थ की जो स्मेल है और उसका स्वाद है वो बिल्कुल अलग है और उसमें स्मेल अच्छी स्मेल की बजाय गंदी स्मेल आती है, तो बदबू समझ लो, बदबू आती है और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं है, तो हम कहेंगे कि विकृत गंधिता इसमें हो गई है। तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है, अब हमारी चीज़ इससे ख़राब हो रही है तो हमें इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जैसे हमने शमशान को रोका था। देखो काम होने को रोकने के लिए जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है उनको रोक दो बस, तो रुक जाएगी। अब इस काम के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को रोक दो तेल के पास पहुंचने से, तो ये विकृत गंधिता रुक जाएगी। तो ऑक्सीजन कैसे रोक सकते हैं, जैसे जो चिप्स आती है पैकेट में, पैकेट के अंदर चिप्स भर के आती है वो फूला हुआ सा होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एक अक्रिय गैस होती है और ये अक्रिय होने मतलब ये क्रियाशील नहीं है, तो पैकेट के अंदर हमने नाइट्रोजन गैस भर दी, अब नाइट्रोजन चली गई, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो उसमें जो पदार्थ है चिप्स तो तेल में बनती है, तो इसलिए वो नाइट्रोजन होने के कारण, ऑक्सीजन नहीं है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन उसके साथ कोई क्रिया नहीं करेगी तो उसकी विकृत गंधिता नहीं होगी मतलब उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसलिए नाइट्रोजन चिप्स में भरी जाती है। दूसरा, हम ऑक्सीकरण को रोक सकते हैं कैसे, उसमें प्रतिऑक्सीकारक डाल दें। प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो ऑक्सीकरण नहीं होने देते, मतलब जैसे तेल है, तेल में ऑक्सीजन जाएगी लेकिन साथ में अगर कोई ऐसा पदार्थ डाल दे, कोई एक पदार्थ डाल दिया जिसने ऑक्सीजन को खींच लिया अपनी तरफ, तो तेल तो सुरक्षित रह जाएगा ना, तो जो ये एक पदार्थ है इसको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक, जो ऑक्सीकरण नहीं होने देता उसको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जैसे BHA, बेंजाइल हाइड्रोक्सी एनिस, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है भाई, ये हो गया। एक और इसमें BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून आएगा, टोल्यून पहले वाले जो सेम और टी से हो जाए टोल्यून, ये हो गया। ठीक है, तो एक तो नाइट्रोजन भर सकते हैं, दूसरा उसके अंदर प्रति ऑक्सीकारक डाल सकते हैं, कोई ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन को खींच ले, जैसे BHA, BHT, एस्कोर्बिक एसिड भी होता है। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हैं भाई, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में डाल दो, टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, अब
टेम्परेचर कम होने से अभिक्रिया स्लो हो जाती है, अभिक्रिया कम हो जाएगी, तो ये जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण की ये कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो ऑक्सीकरण जो हो रहा था वो काफी लंबे टाइम तक नहीं होगा। उसके बाद कोई एयर टाइट कंटेनर में डाल दे, मतलब जो तेलीय पदार्थ है उसको डब्बे में बंद करके उसको एयर टाइट कर दे, मतलब उसमें हवा ना तो अंदर जा सके ना अंदर की बाहर आ सके, तो ऑक्सीकरण रुक जाएगा। और चौथा है अवे फ्रॉम लाइट, हम प्रकाश से दूर रख कर भी ऑक्सीकरण को रोक सकते हैं, क्यों, क्योंकि कई अभिक्रिया ऐसे होती है ना प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और या फिर तापमान बढ़ने से अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो तापमान नहीं बढ़ेगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें, ये पेपर में आता है विकृत गंधिता क्या है, वो कैसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे विकृत गंधिता रोकी जा सकती है, तो एक तो नाइट्रोजन भर देंगे, दूसरा प्रतिऑक्सीकारक डाल देंगे, प्रतिऑक्सीकारक या फिर रेफ्रिजरेटर के द्वारा या फिर रोशनी से दूर रख के, ठीक है भाई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो भाई ये हमारा चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था ये हो गया कंप्लीट। मैं एक वीडियो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बनाऊंगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।